मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। आप सभी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपको बताने वाली हूं आपका आज का फोरकास्ट, आपके जन्म तिथि के अनुसार जो आपका सन साइन बनता है उसके अनुसार। और ये जो फोरकास्ट है ये मैं अपने टैरो कार्ड्स की मदद से आपको बताऊंगी। तो आप अपना जन्म तिथि के अनुसार अपना जो है सन साइन देख लीजिए। और चलिए मैं शुरुआत करती हूँ मेष राशि। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले ये कार्ड निकालती हूँ। तो मेष राशि के लिए निकल कर आता है स्टार कार्ड। तो आपके लिए आज मनोकामना पूर्ति का दिन है, कोई आपकी लॉन्ग चेरिश्ड विश आज हो सकती है पूरी। तो आज अच्छा दिन है, आज दिन की शुरुआत पहली राशि है। और देखिए कार्ड कितना अच्छा निकल कर आया। तो आज के दिन तो आपको भोले शंकर को जाके कुछ हरी पालक का दान करना चाहिए और वहाँ पर अर्पित करना चाहिए उनको, भोले शंकर को। और देखिए आपकी विश फुलफिल जरूर होगी। अब टॉरस की बात कर लीजिए, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए निकल कर आता है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन जो आपकी जात से नहीं है या किसी दूसरे समुदाय से बिलोंग करता है, किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, तो आपका उससे आज के दिन अगर बात चलेगी रिश्ते की तो आपकी शादी हो सकती है। यानी इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज का योग बनता है। और ये कार्ड आज के दिन उस बात को इनिशिएट करने के लिए फेवरेबल रहेगा। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि इंटरमिंगलिंग ऑफ टू कम्युनिटी बहुत 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 फेवरेबल होगा आप लोगों के लिए। चलिए अब जेमिनी की बात की जाए यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए निकला है ये कार्ड। मिथुन राशि के लिए निकल कर आता है 10 of Hearts का कार्ड। ये कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बिलीव करते हैं। तो अगर आप कोई पूजा पाठ रखते हैं या फिर कोई ऐसी समारोह में सम्मिलित होते हैं जहाँ पर कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन हो, तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि वाह क्या अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पर। और ऐसे में अगर आप अपने परिवार को साथ लेके जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जब परिवार के साथ तो आपको लगेगा दिस इज द जॉय ऑफ बींग टुगेदर। तो ये जैमिनी राशि वालों को अपने परिवार के साथ बहुत खुशियाँ मिलेंगी आज। तो अब कैंसर की बात कर ली जाए, तो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए निकल कर आता है 10 of Pentacles का कार्ड। तो 10 of Pentacles का कार्ड ये बताता है कि अगर आप किसी से रिश्ते में हैं और रिश्ते को आप शादी तक लेके जाना चाहते हैं, तो ये बात पक्की है कि आपका रिश्ता जो है ना स्टेटस को देखकर आपने बनाया है। और स्टेटस को देखकर वो रिश्ता अगर तय करते हैं तो आपका रिश्ता हो जाएगा तय, क्योंकि आपका जो भी रिलेशनशिप है ना वो आपने बिल्कुल क्लियरली आपने अपने माइंड में रखा हुआ है कि आपने अपने स्टेटस के हिसाब से ही उसमें आगे बढ़ना है। तो आपने जब अपने शुरुआत में ही उस तरह से उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो अब आप उसको उसी तरह से आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये है। और अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए निकल कर आता है ये कार्ड। सिंह राशि का कार्ड निकल कर आता है 5 of Swords। ये कार्ड बताता है कि आप किसी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का पार्ट अगर होते हैं और आपको लगता है कि आप किसी से कुछ बात अपनी एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपका अपमान ना कर दे। मुझे ये क्यों बहुत क्लियरली लगता है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा बहुत क्लियरली मुझे ऐसी वाइब्रेशंस दे रहा है कि आपकी कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर सकता है आज के दिन। आपको अपने सम्मान की रक्षा करने की जो भी भरसक प्रयास करना पड़े, अगर आपको आंसर बैक भी करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा, फुट डाउन कीजिएगा कि नहीं आप मुझसे ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वैसे सिंह राशि वाले ना किसी की ज़्यादा सुनते नहीं है क्योंकि वो बहुत डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, लेकिन आज आपको अपमान का घूंट पीना पड़ सकता है, लेकिन आप बिल्कुल मत पीजिएगा। और बात करते हैं वर्गों यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के बाद तो अब बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए निकल कर आता है ये कार्ड। तो कन्या राशि के लिए निकल कर आता है 2 of Hearts का कार्ड। 2 of Hearts का कार्ड बताता है एक हैप्पी यूनियन, एक ऐसा कार्ड जो आपके आपके स्पाउस के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ता देता है, रिश्तों में मधुरता प्रदान करता है। अगर रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अब आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी और आपके रिश्तों में आ जाएगी और भी ज़्यादा मजबूती। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपने रूम में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लगाइए, लेकिन रोज़ेस बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि आपकी अगर पहले कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आप अच्छे सॉफ्ट फ्लावर्स लगाएंगे तो रिश्ते और भी मजबूत होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है कपल्स के लिए रिश्तों को और इम्प्रूव करने के लिए। चलिए अब लिब्रा की बात कर ली जाए, तो लिब्रा के लिए ये कार्ड निकालती हूँ। लिब्रा के लिए निकल कर आता है लवर
लवर्स कार्ड. लवर्स कार्ड बताता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं आज के दिन जहाँ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े, और डिसीजन देना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप ऐसे दौराहे पर होंगे जहाँ पर आपको लेफ्ट या राइट दूसरी तरफ से कोई एक रास्ता चूज करना होगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और ऐसे में आपको किसी की एडवाइस लेने भी पड़े तो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इस समय एडवाइस लेना बनता है आपके लिए. तो आप सोच समझ के अपनी लाइफ का ये डिसीजन लीजिएगा. चलिए अब स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं. तो वृश्चिक राशि के लिए निकल कर आता है सन कार्ड. तो वृश्चिक राशि के लिए एक रिलेशनशिप में एंटर करने का टाइम आ गया है, और अपनी रिलेशनशिप में आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं. और अगर आप काफ़ी समय से सिंगल थे तो ये आपको बहुत हैप्पीनेस देगा. आपकी न्यू रिलेशनशिप में आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे. रिश्ता आपका लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देने वाला है आपके लिए. और अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की. तो सैजिटेरियस के लिए निकल कर आता है ये कार्ड. सैजिटेरियस का कार्ड निकल कर आता है ये सिक्स ऑफ हार्ट्स का कार्ड, सिक्स ऑफ. तो अब बात करते हैं अगली राशि की. तो अगली राशि है सैजिटेरियस. तो सैजिटेरियस के लिए निकल कर आता है ये कार्ड. तो सैजिटेरियस के लिए निकल कर आता है सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड. तो सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड किसी दूरस्थ स्थान से कोई अच्छा संदेश आपको देता है, और ये संदेश आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, और हो सकता है आपकी पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है. और ये रिलेशनशिप जो भी है आपकी, ये आपकी खुशी का कारण बनेगी. और एक बात मैं और बताती हूँ, अगर किसी कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया तो उसमें भी आपको विक्ट्री दिलाता है. तो ओवरऑल ये आपके लिए एक अच्छा कार्ड है. तो अब अगली राशि का हम रुख करते हैं. तो अब कैप्रिकॉर्न की बात की जाए तो कैप्रिकॉर्न के लिए यह कार्ड, कैप्रिकॉर्न के लिए निकल कर आता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले, अगर आप किसी से कंपीट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, किसी कंपटीशन में या रिलेशनशिप में भी, अगर आपको अपने अपने यू नो जैसे स्पेशल समवन का दिल जीतने के लिए किसी राइवल को फेस करना पड़ रहा है, तो आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा. तो ये एक टफ कंपटीशन है आपके लिए. तो आपको आज अपनी जैसे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपको टफ कंपटीशन में जाने की ज़रूरत पड़ेगी. ये आपके लिए आज का कार्ड निकल कर आता है. और अगली राशि की बात करें तो एक्वेरियस की. तो एक्वेरियस के लिए निकला है ये कार्ड. एक्वेरियस का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, जो कहता है आपकी माँ का आशीर्वाद आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. माँ का आशीर्वाद से अगर आप चलेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन अगर आप माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो माँ स्वरूप आपके जीवन में जो हो उनका आशीर्वाद लेके चले. सुबह सुबह अगर आप घर से निकलते हैं तो माँ के चरणों को छू कर निकलिए. अगर माँ नहीं है तो माँ स्वरूप जो आपके जीवन में हो उसका आशीर्वाद लेके चलिए. नहीं तो उन्हें फ़ोन कीजिए, या फिर उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर भी आप प्रार्थना करेंगे कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करो, तो वो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे. और आपको आज के दिन उनके आशीर्वाद से ही सफलता मिलेगी, और डेफिनेटली आज के दिन आपको जरूर मिलेगी. तो अब बात करते हैं हम आखिरी राशि की. तो आखिरी राशि है मीन राशि. तो मीन राशि के लिए निकालती हूँ मैं ये कार्ड. तो ये कार्ड निकला है मीन राशि का. तो ये कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड. खास करके महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूँगी, महिलाओं को आज के दिन हाई इंट्यूटिव पावर्स आज बिल प्रदान करता है ये कार्ड. आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, आपको पहले से पूर्वाभास हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है. और महिलाओं के लिए खास करके ये बात भी है कि आज आप, हो सकता है कि फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम भी कुछ इंडिकेटेड हो. और जो पुरुष हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आज आपसे जुड़ी हुई महिला आपके बारे में कुछ ऐसी बात जान पाएगी जो शायद आपने उनसे हाइड कर रखी हो. तो ऐसी बात आपकी रिवील होती हुई नज़र आ रही है. तो ये आप सभी राशियों के बारे में मैंने बताया आज का फोकस्ड. तो चलिए अब टाइम हो चुका है आज की स्पेशल टिप का. तो अगर आप सिंगल हैं और आपके जीवन में कोई नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप सिंगलहुड से किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, तो चलिए उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ. तो अगर आप मेल हैं और आप चाहते हैं कि कोई सुंदर सी स्त्री आपके जीवन में आ जाए, और अगर आप फीमेल हैं और आपके जीवन में कोई हैंडसम ड्यूड आपके जीवन में आ जाए, तो उसके लिए क्या करें, आप क्या करें अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. अगर मेल हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो भी, और फीमेल है तो भी, आप साउथ वेस्ट में आप कोई रेड पेंट कर सकते हैं, या फिर रेड कर्टन लगा सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उस डायरेक्शन में रेड कलर से उस डायरेक्शन को एनहेंस कर दे. और वहाँ पर अगर बेडरूम नहीं है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर की, तो वहाँ पर कोई वाटर बॉडी लगा सकते हैं. और इसके अलावा आप
फीमेल है तो उस डायरेक्शन में आप ड्रैगन की इमेज लगाइए, और अगर आप मेल हैं तो उस डायरेक्शन में आप फीनिक्स की इमेज लगाइए। ऐसा करने से आप उस सेक्टर से आप जो है ना अपने जीवन में कुछ इस तरह से अपने ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और आप अपने फेवरेट सिने स्टार की जो ऑपोजिट सेक्स का जो सिने स्टार है उसकी फोटो भी वहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि आप उस तरह की पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं कि खूबसूरत लोग आपके जीवन में आए ऑपोजिट सेक्स के। तो इस तरह से कहते हैं कि इस तरह से पॉजिटिव फेंगशुई जनरेट होती है कि आप सिंगलहुड से किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। तो ये एक फेंगशुई टिप है जो अपनी सिंगलहुड को बाय बाय करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप इन टिप्स को यूज़ कीजिए और अच्छी फेंगशुई अपने जीवन में इन्वाइट कीजिए। इन्हीं टिप्स के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार।